हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, ऐसे स्टूडेंट जो नेक्स्ट ईयर 2025 में दिल्ली से डीएलएड कोर्स करना चाहता है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे दिल्ली डीएलएड का फॉर्म 2025 में कब आएगा और एंट्रेंस एग्जाम कब होंगे। ऐसे स्टूडेंट जो 2025 में 12th पास करने वाले हैं, मतलब एग्ज़ाम देंगे, तो क्या अगर उनका रिजल्ट नहीं आता है तो क्या वो फॉर्म भर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अपेयरिंग स्टूडेंट को भी हर साल जो है एलिजिबल किया जाता है, मतलब उन्हें जब फॉर्म भरते हैं ना तो अपेयरिंग जो है सिलेक्ट करना होता है ऑप्शन, और जो पास होते हैं तो उनको तो पास सिलेक्ट करना ही होता है। ओके, तो दिल्ली में फ्रेंड्स क्या है ना, जो हर साल सीबीएसई क्लास 12th का रिजल्ट आने के साथ ही एडमिशन स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 12th के बाद ही आप फॉर्म भर सकते हो। मतलब अगर आपने 12th कर रखा है तो आप एलिजिबल हो डीएलएड कोर्स करने के लिए, लेकिन आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। तो एक एक चीज़ बताएंगे हम आपको, कौन फॉर्म भर सकता है, मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है। फ्रेंड्स अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर 15% जो सीटें हैं वो रिजर्व किया गया है। देखिए फॉर्म जो है ना, ये SCERT दिल्ली एडमिशन, ये गूगल पे ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर फॉर्म भरा जाता है। तो जब स्टार्ट होगा तो फॉर्म कैसे भरना है वो सब तो हम बताते ही हैं, पहले आप समझिएगा कि इसके अकॉर्डिंग फॉर्म कब आएगा। तो सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट आने के साथ ही स्टार्ट होता है। तो आप ये लगा लीजिए कि दिल्ली डीएलएड का फॉर्म 2025 में फ्रेंड्स आपका हो सकता है मतलब 1 मई को आ जाए, या 5 दिन पहले आपका 25 अप्रैल के आसपास आ जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 25 अप्रैल को 2024 में स्टार्ट हुआ था और 15 मई जो है इसका लास्ट डेट था, तो लगभग 10-15 दिन का टाइम मिलता है। ओके फ्रेंड्स, एंड यहाँ पर जो है एडिटिंग का ऑप्शन देख सकते हो, और देखिए एग्ज़ाम जो है वो 30 मई को हुआ था। आप याद कीजिए 25 मई को शायद दिल्ली में लोकसभा का चुनाव भी था 2024 में, ठीक है। तो 30 मई को था आपका एग्ज़ाम और दिल्ली के ही सेंटर पर एग्ज़ाम पड़ता है। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो है मतलब 5-6 दिन बाद ही जो है आपका सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, अलॉटमेंट लिस्ट आना, कॉलेज लिस्ट। तो ये तो आपको पता चल गया फॉर्म कब आएगा, आप ये लगा लीजिए अप्रैल के लास्ट में या 1 मई तक आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, एंड 1 जून या मतलब 30 दिन बाद आपका जो है एग्ज़ाम हो जाता है, तो जून या जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए दिल्ली में क्या है ना, जब आप फॉर्म भरते हो तो उस टाइम पर क्या है ना कि आपसे कॉलेज चॉइस भरना होता है। ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि NCT से मान्यता प्राप्त है, और यहाँ से अगर आप डीएलएड कोर्स करते हो तो 2 साल का खर्चा आपका केवल 16,000 रुपये आएगा। और अगर आप SC ST माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम माइनॉरिटी में आते हो, और भी कई कैटेगरी होते हैं जैसे EWS हो गया, OBC NCL हो गया, तो उनको स्कॉलरशिप भी मिल जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये भी फायदा है, उर्दू वाले स्टूडेंट का एंट्रेंस एग्जाम में कम नंबर भी आता है ना तो भी उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, और पंजाबी को क्योंकि सीटें रिजर्व है, तो 12th में आपका उर्दू या पंजाबी से होना चाहिए वो सब्जेक्ट पास, तब आप यहाँ पर। 9 गवर्नमेंट डायरेक्ट कॉलेज है जिसमें 1040 सीटें, 15% सीटें रिजर्व है अदर के लिए, एंड ये सारा प्राइवेट कॉलेज है जो कि मान्यता प्राप्त है। तो जब आप फॉर्म भरते हो ना तो उसी टाइम पर आपका एक ऑप्शन खुलता है जिसमें आपसे बोला जाता है कॉलेज चॉइस भरिए कि कौन सा कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि कौन सा गवर्नमेंट है और कौन सा प्राइवेट, तो कुछ स्टूडेंट तो प्राइवेट ही भर देते हैं और उनका एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी अच्छा नंबर आता है, फिर भी उनको प्राइवेट मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो आप कॉलेज चॉइस भरोगे उसी में नाम आएगा, ऑटोमेटिक नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैनुअली आपको पहले फिल करना होगा फॉर्म के टाइम पे, तो जिसमें डायरेक्ट लिखा होगा ना इस तरीके से, ये नाम आप देख लीजिए, उससे आप कॉलेज चॉइस करेंगे, बाकी तो आगे हम बताएंगे ही आपको, और प्राइवेट का भी ऑप्शन आता है। अब फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको एज लिमिट के बारे में बताता हूँ, मिनिमम एज फिक्स नहीं है, 15 साल, 16 साल, 17 साल के हो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम एज फिक्स है। मैक्सिमम एज सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब हम बताएंगे डिटेल वाला, ये तो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का सिलेबस है जब आपका कोर्स में एडमिशन हो जाता है। तो मैक्सिमम एज क्या है ना, आपका 30 सितंबर 2025 तक, 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, EWS OBC NCL जनरल कैटेगरी का, ठीक ना, बाकी 29 साल तक कर सकते हैं SC ST और PWD फिजिकल विद डिसेबिलिटी स्टूडेंट के फॉर्म भरते हैं। तो उसमें आपको 12th का वेस्ट 5 सब्जेक्ट एंड 10th का वेस्ट मतलब 10th का ऑल सब्जेक्ट आपको भरना होता है, और 12th में अगर आपके 50% नहीं है तब आपको SC ST या फिजिकल विद डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनाना होगा, तब आपका 45% पर भी एडमिशन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बाकी एज लिमिट ये 2024 के अकॉर्डिंग है, क्योंकि 24 का ये प्रोस्पेक्टस है, 25 का आएगा तो आप उसी के अकॉर्डिंग हर साल रहता है। तो चलिए मैं आपको फीस भी बता देता हूँ, ये कुछ एग्जाम पैटर्न होता है, इसमें कॉम्पिटिशन लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैथ कॉम्पिटिशन लेवल का होता है, जैसे SSC का एग्जाम होता है, ठीक ना, 12th लेवल का SSC का हो गया, जैसे इसमें GK GS साइंस सोशल स्टडी में, वही आपका कॉम्पिटिशन लेवल का होता है।
तो आप कोई कॉम्पिटिशन लेवल की बुक लेकर पढ़ सकते हो। घटना चक्रा की बुक आती है फ्रेंड्स, जो कि आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के आते हैं, और लूसेंट का भी आता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ओरिएंट का भी आता है, तो उससे आप कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ फीस, तो ये तो शायद फॉर्म भरने की फीस है, ठीक ना। ये देख लीजिए, डीपीएससी जो है नर्सरी एलकेजी यूकेजी क्लासेस के लिए होता है, एंड डीएलएड जो है वो फर्स्ट टू फिफ्थ एंड सिक्स टू एट के लिए होता है। अब मैं आपको फीस शो कर देता हूँ, देखिए ये गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है, ठीक ना। टोटल अगर आप करोगे तो फर्स्ट ईयर का आपको, मतलब दोनों से दो ईयर का आपको 16,000 पड़ेगा, ओके। या पर एनम, मतलब यहाँ पर साल में 1100 रुपये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर दो बार एग्जाम होता है, बाकी पर मंथ है, ये भी पर मंथ, ये भी पर मंथ, ये एडमिशन के टाइम आपको देना होगा, ठीक ना। अब देखिए ये प्राइवेट कॉलेज की फीस है, मतलब 37,000 रुपये पर ईयर फीस, तो दो साल का आपका हो जाएगा 75,000 रुपये, ओके फ्रेंड्स। तो ये फीस इंस्टॉलमेंट में आपका जाता है 3 महीने का, कुछ इस प्रकार, तो 3,000 रुपये पर महीना पड़ेगा, एक साथ 9,375 पे करना होता है। ये है कुछ इस प्रकार का आपका डिटेल सिलेबस। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चंस जो आते हैं ना, ये पिछले 6 महीने के होते हैं, तो आप 6 महीने के करंट अफेयर देख लीजिए, मतलब अभी से स्टार्ट कर लीजिए, कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए जिसका डेली करंट अफेयर आप वीडियो देखिए, मतलब इतना रटना नहीं है, ऊपर ऊपर समझना है। साइंस, सोशल साइंस में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके आएंगे हिस्ट्री से, जिसमें आपका हिस्ट्री होगा, मतलब भारत का हिस्ट्री, विश्व का हिस्ट्री, मतलब इसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों आ जाएगा, ठीक ना। पॉलिटिकल साइंस में आपका जो है देख लीजिए टॉपिक, तो इनको आप घटना चक्रा या बहुत सारी बुकें आती है, जैसे लूसेंट का ऑब्जेक्टिव आता है, अरियंत का आता है, उससे आप कर सकते हो। ज्योग्राफी में आपका 10 क्वेश्चन आएंगे इन टॉपिक से, जो कि आपको बहुत सारे कॉम्पिटिशन की बुक आती है उसमें मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स 10 ऐड कर दिया गया है सोशल साइंस के अंतर्गत, तो इसको मिलाकर 40 हो जाता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप देख लीजिए कौन कौन सा टॉपिक है, ये आपको लूसेंट का में मिल जाएगा। बाकी साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। बाकी कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक देख लीजिए। मैथ में आपका भाई कॉम्पिटिशन लेवल का 10 क्वेश्चन होगा, एंड रीजनिंग का यहाँ पर खेला है। रीजनिंग में क्या है, 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड और 15 क्वेश्चन आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का आता है। तो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का टॉपिक मैं बता देता हूँ, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक आप देख लीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग का हर कॉम्पिटिशन के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो सब में सेम होते हैं। बाकी हिंदी और इंग्लिश का आप देख लीजिए, यहाँ पर 10 क्वेश्चन आते हैं, जो कि ग्रामर और पैसेज पर आधारित होता है। 150 क्वेश्चन आते हैं, आपको 120 मिनट का ही टाइम मिलेगा, 2 घंटे का। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, और इसमें पास होने के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स भी फिक्स नहीं है। मतलब जैसे मान लीजिए हर साल 15,000 फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक ना, लगभग 15,000 ही भरे जाते, ठीक ना। इसमें से लगभग फ्रेंड्स 13,000 से 14,000 स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम दे पाते हैं, और सीट कितनी है, लगभग गवर्नमेंट में लगभग 1040 है, और प्राइवेट में लगभग फ्रेंड्स 1900 के आसपास है, तो ये लगा लीजिए कि 3,000 के आसपास सीटें हैं। तो ऐसे में फ्रेंड्स क्या है ना, कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा साल हो जिसमें स्टूडेंट बराबर हो, जितना फॉर्म भरा गया है उतना कॉलेज सीट के बराबर हो, तो ऐसे में हर स्टूडेंट को मिल जाएगा, जो पास या फेल, तो मेरिट बनता है, जो फेल है उनको भी सीट मिल सकती है। कैसे मिलता है, तो वो 12th में पास है ना, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स नहीं है इंट्रेंस में, पास हुए फेल, मेरिट का। रीजनिंग का यहाँ पर आप लोग टॉपिक देख सकते हैं, 10 टॉपिक, मतलब 15 क्वेश्चन आते हैं, तो एक एक सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इसे यूट्यूब से कर लेना, आप सर्च करोगे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे वीडियो, उससे आपका हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। बाकी देखिए मैं आपको बताता हूँ।